वेलकम टू माई शो मौरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2023 का आंसर की कब तक आ सकता है, दूसरा ये कि नीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। नॉर्मली अगर आप पिछले सालों की बात करें 2022 2021, तो हमेशा से एग्ज़ाम जो है आपका पोस्टपोन्ड हुआ है और रिजल्ट भी डिले हुआ है, काउंसलिंग भी आपकी डिले हुई है। लेकिन इस बार NTA ने ऐसा प्लान किया कि आपको एग्ज़ाम को जो आपका 2019 में शेड्यूल था, जिस तरह से मई में करने का एग्ज़ाम, और सेम उसी तरह से इस बार प्रोसेस किया हुआ है कि मई में ही आपका एग्ज़ाम कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड आपका सेशन डिले होता गया, एग्ज़ाम डिले होता गया, काउंसलिंग डिले होता गया। तो आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और काउंसलिंग कब तक आपकी स्टार्ट हो सकती है और सेशन कब से स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में वीडियो है। फ्रेंड्स, जहाँ तक नीट की आंसर की बात हो, तो आंसर की 20th तक आ सकती है। मीन्स ये मान के चलिए कि 2 वीक्स के गैप में आपकी आंसर की कोड वाइज NTA रिलीज़ कर सकता है। जहाँ तक कि रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट में कम से कम 1 मंथ का टाइम मिनिमम लगेगा और ये रिज़ल्ट आपका 4 जून के बाद आपका डिक्लेयर किया जा सकता है। तो रिज़ल्ट आपका 4 जून के बाद डिक्लेयर होगा। आंसर की आपकी 2 वीक्स के बाद, मीन्स एग्ज़ाम के 2 वीक्स के बाद, मीन्स 20th के बाद आपकी आ सकती है। और जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, तो काउंसलिंग आपकी जुलाई और अगस्त से स्टार्ट हो सकती है। मीन्स जुलाई 2nd वीक या 3rd वीक से आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और ये काउंसलिंग नवंबर और दिसंबर तक जा सकती है। उसका कारण ये है कि आपका जो प्रीवियस बैच चल रहा है 2022 का, फर्स्ट ईयर का जो बैच है, वो 2nd ईयर में जब प्रमोट होगा, जब जाएगा, तभी आपके लिए सीटें खाली होंगी, तभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो काउंसलिंग तो आपकी नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, क्लासेस डिले हो सकती हैं। तो NTA का इस बार प्लान भी था कि किसी तरह से आपका जो शेड्यूल बिकॉज ऑफ कोविड डिले हो गया है, उसको लाइन पर लाया जाए। तो इस बार सारे प्रोसेस आपको अर्ली दिख सकते हैं, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, काउंसलिंग भी जल्दी होगी और आपका जो सेशन है, जो जनवरी में जाता था या फरवरी में जाता था, वो अर्ली सेशन हो सकता है।